नमस्कार। आज आम गणितर मेथडोलोजी नहीं आस तो गणितर जो मेथडोलोजी आम आलोचना करवा मात्र दुईटी भिडियो आम गणितर जो ओटीटी वन हो ओटीटी टू हो कि आमर जो आम रेगुलर हाई स्कूल टीचर हो तार गणितर मेथडोलोजी जहाँ भी पड़ो यार भितर ही पड़ो कारण यार प्रीवियस ईयर जो पांच सात वर्ष क्वेश्चन को तुलना कर सारापर आलोचना कर सारापर से ही अनुसार क्योंठार मेथडोलोजी पढ़ुची से ही पुस्तक आम आलोचना करवा सर्टकट्रे आलोचना करवा जमी मात्र दुईट भिडियो संपूर्ण पेडोलोजी कम्प्लीट हो पार ते पे मन दे देखु तो यार हूँ गणितर प्रकृति बा स्वरूप कथा आम देखा गणितर कौन कौन सब प्रकृति अच्छी आँ कौन सब स्वरूप अच्छी आम बर्तमान आलोचना करवा तो गणितर जो आम देखा जो गणितर प्रकृति बा स्वरूप तापर आम देखा यठार गणितर कौन कौन सब स्वरूप अच्छे गणित हेउची एक जुक्ति संगत गणित शास्त्र रे केबे आम आखि बुझी विश्वास करती हम नीति धारणा तर्कशास्त्र ये सब लेकिन आम जुक्ति मध्यम गणित को विचार आम करतापर आम कौन करवा ना देखा एग्जाम्पल बहुत गुड़े गणित जुक्ति रही किसी आवश्यक ना से गुड़ा तापर आम देखा आगे अच्छे गणित हेउची एक गणित हूँ एक सांकेतिक परिप्रकाश गणित आम देखा ठीक जदि गणित हूँ एक सांकेतिक परिप्रकाश माने संकेत मध्यम आम गणित को परिप्रकाश करतापर आम देखा संक्षिप्त अभिव्यक्ति तो संक्षिप्त अभिव्यक्ति आम देखा जो संक्षिप्त भाव परिप्रकाश गणित एक प्रधान प्रकृति मानते गणित शास्त्र आम अधिक श्रृंखलित होवर यह प्रकाश भंगी मैं श्रृंखलित अर्थात संक्षिप्त अभिव्यक्ति मानने आम गोटे भाषा जमी पाटिगणित पढ़ी सारापर ताकू आम पूरा संक्षेप करके लिखुं क्या मध्यम ना संकेत मध्यम कि आमर बीज मध्यम अज्ञात राशि मध्यम सूत्र संकेत मध्यम आम संक्षिप्त कर लिखुं तो गणित स्वरूप जीव संक्षिप्त अभिव्यक्ति आमर जीव तापर आम देखा जे अमृत सम्बन्धी तो अमृत सम्बन्धी कौन बा आबस्ट्राक्ट थिंकिंग जी आम देखा आबस्ट्राक्ट थिंकिंग कौन ना बेले बेले लोक मैंने चित्र कार्ड नहीं पुरुष महिला एपरी भाव में दुईट सेट तैयारी करती आड मनक बड़क रहा तो बड़का चित्रकार गुड़ी उपयुक्त सेट रे स्थानित करने पाला निर्देश दे तो पाने शिक्षण कार्यटी कले पाने चित्र कार्ड गुड़ी रखि क्योंटी रखिले आसे प्रश्न हाँ अथवा देख ये कौन से कहवाक चाहते तो पाने उपयुक्त सेट रे चित्र कार्ड को स्थानित करें कि से किपर यह कार्यटी को ठीक भाव में करें तो ये कथा छाड़ तो बर्तमान पे देख जदि अमृत सम्बन्धी मानने आबस्ट्राक्ट थिंकिंग मन कराऊ कौन जिनस को आम गोटे देखे पारानी मन भितर गोटे आम रखिले जमी गोटे एग्जाम्पल बुझीपर बर्तमान माँ का बयस झील बयस दुई गुण 20 वर्ष पूर्वे माँ का बयस झील बयस चार गुण थी तेज बर्तमान बयस कैसे ये गोटे आमको मन भितर भाविक पड़ो और मन कराऊ एक्स ना पड़ो तापर झीर बर्तमान बयस जेहेतु माँ का बयस झील बयस दुई गुण ताल झीर बयस माँ ठार अधा हाँ तो एक्स बै टू हे 20 वर्ष पूर्वे दुई जनकर बयस कमी थी तो 20 वर्ष पूर्वे दुई जनकर कमी थे आम देखिले एक्स बै टू माइनस 20 है ये एक्स माइनस 2 बै 20 है से कौन कहते ना 20 वर्ष पूर्वे माँ का बयस झील बयस चार गुण था ये माँ का बयस झील बयस लिखाई कौन ना ये आम चार गुण कर तापर आम समाधान करागला तो यही भाव में जोटा को आम भाभी पार ना जोटा को आम देखे पार ना अनुभव कर पार्वा ताहामृत चिंतन हो पारे तेनाली गणित अमृत चिंतन मानक समाधान भी करणित मध्यम आम जहाँ बुझे तापर आम देखा निर्दिष्टता गणित गोटे आउ गोटे गुण हूँ निर्दिष्टता ता मैंने वस्तुनिष्टता अच्छे जोटा कि आम उत्तरटे ठीक कि भूल होता है ठीक हेल्ले ठीक कि भूल हेल्ले भूल जे आम ठीक हो पारे भूल हो पारे एमती कहीपर जमी 4+2=6 तो ठीक बा 4+2=5 लगे है भूल ठीक ठीक मार्ग भूल भूल मार्ग तेनाली निर्दिष्टता एथेरे आसी थाए एथेरे कौनसी अनिर्दिष्टता न थाए तेणु गणितर स्वरूप भितर निर्दिष्टता भी गोटे जाऊँ तापर श्रृंखला और निर्दिष्ट क्रम श्रृंखला निर्दिष्ट क्रम गणित पढ़ा जाऊ प्रश्न गुड़ी विक्षिप्त भाव न रही निर्दिष्ट क्रम थाए अर्थात सरल रु जटिल ज्ञात रु अज्ञात यही भाव में श्रृंखलित क्रम थाए संरचना पैटर्नटा पैटर्नटा केमी आम गणित थाए मन कराऊ गोटे पाठ
न्यूनतम स्तर शिक्षण स्तर में बेस चित्र थाए प्रतिरूप थाए बास्तव जिनस एग्जांपल दि जाए था उपर स्तर को आम जाए चित्र आंकड़ा नक्सा मध्यम त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त साहय मध्यम एमती सहज जमी बुझीपर से थाए तो ये आम देखा दैनन्दिन जीवन में जो गणित आसूँ से दैनन्दिन जीवन में गणितर कौन सब भूमिका रोचे परीक्षार आसूँ ये दैनन्दिन जीवन में किसी एग्जांपल दूँ जो प्राथमिक विद्यालय स्तर में गणितर कौन गुरुत्व रही है गणितर अन्य विषय सह कौन संपर्क रही गणित व भाषा शिक्षा सहित केमी संपर्क रही गणित व परिवेश अध्ययन केमी रही गणित व विज्ञान केमी रही भाव गणित सहित भूगोल माने व्यवहार रही आउ कौन ना गणित सहित इतिहास व्यवहार रही गणित सहित अन्यान्य विषय रही कर्मानुभूतिक शिक्षा मध्य कला शिक्षा मध्य एवं स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा समस्या समाधान गणितर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे आम बुझे जो गणित दैनन्दिन जीवन में कौ कौ काम लगुच तुम पे स्किप करके जो स्क्रॉल करदेटा इंपोर्टेंट ना तो बहुत स्पीड आगे देली एवं आम देखा जे केमिति भावरे जे आमर गणित एठा देखिबा जे जातीय शिक्षा नीति 1986 केमिति आमर गणित शिक्षा को गुरुत्व दियाइछि ना गणित शिक्षा गुरुत्व दियाइछि एमिति जे विज्ञान शिल्प विप्लवरे एही दुनिया रे गणित प्रति स्वतंत्र ध्यान दियाजिबा दरकार जातीय शिक्षा नीति 1986 गणित शिक्षार्थी को भाविबा जुक्ति करिबा व विश्लेषण करिबा कारण दर्शाइबा आदि चिंतन करते व्यवहार करने को तापर आम देखा जो जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 कौन कर आधार 5 गणित शिक्षण पिलार चिंता वर्णना प्रश्नोत्तर आलोचना गाणितिक जुक्ति मध्य मैंने परीक्षार पड़ जाऊँ जे यही कथाटी मानने कौधे कहुचे जोटा कि आम कह जातीय पाठ्यक्रम आधार 2005 ना 1986 ना 1968 स्किप करके पज करके मारिक रखी पारे हाँ तापर गणित शिक्षण देलाबेले पिलार विकास उपर आमको गुरुत्व देवा पड़ता है जमीक आम देखा जो प्रत्येक व्यक्तिर चिंता करवा जुक्ति करवा तथ्य उपस्थापन करवा विश्लेषण कर भिन्न भिन्न सोपान थाए जमी आम जानते पिज मत संवेदीकारक पर्याय संवेदीकारक पर्याय जी आम देखुं तो जन्म ठारू 2 वर्ष बयस पर्यंत जोटा को आम संवेदीकारक सेंसरी मोटर स्किल कहते पिलाटी छुईकी जान मानने जोटा कि आम पंचेन्द्रिय अच्छे ताद्वारा पाठटा को जाणी थाए प्राक संकर्ज रोज प्री अपरेसन 2-7 स्थूल संकर्ज कला कौन 7-12 आउ यथार्थ यथार्थ संकर्ज पर्याय जोटा आम कह तो सहीटा हूँ आम देखा ताकि यथार्थता जोटा कि संकर्ज पर्याय गोटे फर्माल अपरेसन आम पीरियड अच्छे 12 वर्ष ऊर्ध तो ये कौन होता है देखा संवेदीकारक कौन जन्म 2 वर्ष मध्य कौन होता है पिलाटे संवेदन क्रिया होता है प्रतिक्रिया प्रदर्शन करें आचरण पुनरावृत्ति करें जगत विषय ज्ञान आहरण करें ये सब संवेदिक प्रायक संकर्ज कौन जी ना बौद्धिक विकास द्वितीय पर्याय हूँ प्रायक संकर्ज यही पर्याय आम कौन कह 2 वर्ष रु तापर जो पिला माने सब शिक्षा कले जोटा कि 4-7 वर्ष बयस पर्यंत शिशु कौन करें ना आमर विभिन्न प्रकार शिक्षा लाभ करें जोटा कि श्रेणीकरण मेन हूँ देखा जो पिलाटी आमर श्रेणीकरण वर्गीकरण यहाँ श्रेणीकरण वर्गीकरण परीक्षा पड़े क्यों एज रे पिलाटी करेंटा हूँ आमर श्रेणीकरण वर्गीकरण देखा ताल प्रायक संकर्ज पर्यायर श्रेणीकरण वर्गीकरण पिलाटी करें तापर आम आस स्थूल संकर्ज आस स्थूल संकर्ज पिला कौन कौन करें स्थूल संकर्ज आम देखा जी देख यही पर्याय शिशुर ज्ञान धारणा अनुभूति स्थूल वस्तु पर्यवेक्षित होता है जोटा कि आम स्थूल वस्तु पर्यवेक्षित होता है कहले पाटे कौन कर छोट मध्यम बड़ शिशु जापर अलटा क्रम लिखिपार विभिन्न आकार क्रमिक धारणा मध्य से यापर ये सब जुक्तिमूलक उपस्थापना से करपर यहाँ आम देखिले आज संकर्जधर्मी जी आम देखा संकर्जधर्मी जी पर्याय देखा तो पिलाटी कौन होता है पिलार 4 पर्याय प्रश्न भिन्न होता है केमी देखा कौन ना पाने समस्या समाधान करें समय दूरता गोटे जमितिक समस्या समस्या समाधानमूलक दक्षता के बृद्धि पाए ना संकर्ज पर्याय पिलाटी वृद्धि पाई है आकार गणना जुक्तिजुक्त उपस्थापना आउ आम कहीपर जे चिंतन जो अच्छी जोटा कि चिंतन विभिन्न पर्याय ये सब होता है एवं देखा गणित शिक्षा तरह लक्ष्य उद्देश्य कौन
ରହିଛି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା, କେବଳ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେତିକିରେ ଖାଲି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ, ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ମିଶାଣ ଫେଡ଼ା ଗୁଣହରଣ ଶିଖିଗଲେ ଯେ ଆମର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ସରଳୀକରଣ କରିବା, କେମିତି ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା, କେମିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରୂପନ୍ତ, ଏସବୁ ଆମର ବିସ୍ତୃତରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏତେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଧାରଣତଃ ଗଣିତର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗଣିତର କ'ଣ। ଆମେ ତିନୋଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଗଣିତର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣିତ ବହି ଟୋଟାଲ୍ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟ ବା ସେଇ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟପିକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯାହା ଶିଖିବାର ଥିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମେନ୍ଲି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହୁଛି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହୁଛି ସେଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ତାର କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହୁଛି, ମନେ କରାଯାଉ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ବା ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ସଜାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଚିହ୍ନିଲେ, ଏସବୁ ସୂତ୍ର କହିଲେ, ଏସବୁ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧ ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ, ପ୍ରକୃତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଆମର ଆସିବ। ଯେଉଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଛି, ବର୍ଗୀକରଣ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବର୍ଗୀକରଣ, ତୁଳନା ହେଲା, ତ ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ, ଫଳାଫଳ କରିବି ହିସାବ କରିବା, ମୁଦ୍ରାର ଯୋଗବିୟୋଗ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବାତ୍ମକ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖ, ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବଜାରରେ ସଉଦା କରିବା ବେଳେ ମୁଦ୍ରାର ଯୋଗବିୟୋଗ କରିପାରିଲେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚଟାଣ ଆଦିରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୋଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗର ଦିଗ, ଏଠି ଜ୍ଞାନର ଧାରଣାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଦିଗ, ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବାର ଦିଗକୁ ଧାରଣା ଦିଆଗଲା। ତା'ପରେ ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଆଗ୍ରହ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ସାଧନା କରିପାରିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭାବାତ୍ମକ ମାନେ ଗୋଟେ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମନୋକ୍ରିୟାତ୍ମକ ସେ କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କରିବେ, ପରିଷ୍କାର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ କଥା ଆମର ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଏଥିରେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆଉ ପନ୍ଥା, ସେ ପନ୍ଥା ପଦ୍ଧତି ଆମର କେତୋଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠାରେ ଅଛି ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିଷୟ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏଇଠି ହିଁ କରିବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି, ଆଉ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଭିଡ଼ଲି ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପକ୍ରମଟା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବା। ତ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା, ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ଜାଣିବ, ସେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷଣର ପଦ୍ଧତି ପନ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲା, ବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ସୋପାନଗୁଡ଼ିକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ବା ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରିପାରିଲା, ବା ଅଧିକ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ବା ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିଲା। ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରଖିବା। ଏବେ ଆସିଲା ଆରୋହ ଓ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି, ସେ ଯେଉଁ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେମିତି ଆସିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଯେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ବିଶେଷ ବା ବାସ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କୁହନ୍ତି। ତା ମାନେ କେତେକ ଆମେ ବିଶେଷ ବା ବାସ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ ଆଗେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା,
सत्यरे उपनीत हवा तापर गोटे पद्धति में पहुँचवा अर्थात गोटे एग्जाम्पल देख आरोहण करवा गोटे ट्रिक मन रखा आरोहण करवा मान कौन मन कर आम गोटे सीढ़ी पर सीढ़ी आम एम करा आरोहण तो मन कर आम उपरक चढ़ी चढ़ी जाऊँचा आरोहण कि नुहे तो मन कर गोटे एग्जाम्पल गोटे राम गोटे मनीष से श्वासक्रिया कै सीता गोटे मनीष से श्वासक्रिया कै श्याम गोटे मनीष से श्वासक्रिया कै ताने प्रत्येक मनीष श्वासक्रिया करती तर गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत आम उपनीत होने प्रथम आम कौन कले ना केतेक सूत्रर परिकल्पना करवा सूत्र को सरी केतेक आम उदाहरण को ना उदाहरण मध्यम आम सूत्र में पहुँचवा जमी केतेक अनुभूति जो साधारण सत्य विभिन्न परीक्षा निरीक्षा जो धारणा नियम सूत्र संग्रह कराए आरोह पद्धति कहते हैं भाविबा आरोहण आम कर ताने शिखि 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 से गोटे सिद्धांत उपनीत होती परीक्षा पड़े जे आम कहीपर उदाहरण जो आम सर्ट रे लिखा एग्जाम्पल अच्छी एग्जाम्पल रु आम कौटी जावा ना सूत्र पाखक जावा अर्थात एग्जाम्पल रु आम फर्मूला पाखक जावा तो एग्जाम्पल जो फर्मूला पाखक जावा से आमर आरोहण पद्धति यहाँ पे मन रखा तापर आम देखा कौन मन रखा तापर गोटे एग्जाम्पल देख एक एक दुई एक तीन चार तीन पाँच आठ एम सौ पाँच गला तो एक तीन पाँच गोटे अजुग्म संख्या अठा प्रति अजुग्म संख्या जोड़े जगफल देख जुग्म संख्या पाँच कौन देखा ना यठे से देखा पाइले देख एट अजुग्म अजुग मिस जुग्म है ये भी दुटा अजुग्म जुग्म है एटा दुटा अजुग्म मिसी जुग्म है ये भी अजुग्म जुग्म है तेरे यही सिद्धांत में उपनीत हेले प्रत्येक अजुग्म संख्या मिसले कौन होता है ना आम जुग्म संख्या प्रत्येक अजुग्म संख्या मिसले आम जुग्म संख्या सब होता है आम एठार अवनत हेले तेरे अजुग्म संख्या अटंती अजुग्म संख्या जोड़ा फल जुग्म संख्या बाहर ताने एग्जाम्पल रु गोटे आम निर्दिष्ट को पाइले ताने आम साधारण रु निर्दिष्ट को पाइले ना निर्दिष्ट साधारण पाइले मन देख ये हूँ आम देखा एग्जाम्पल को आम कहते एक्चुअली निर्दिष्ट एक्चुअली निर्दिष्ट रु आम कौटी गले साधारण रु गले साधारण बड़ा हूँ सब सूत्र तेणु निर्दिष्ट रु आम कौटी गले सूत्र को गले निर्दिष्ट मान एग्जाम्पल रु आम सूत्र को गले से हूँ आम आरोह पद्धति भल भाव मन रखी जो एग्जाम्पल थे सूत्र उपनीत होपर आम देखा एठार आरोह पद्धति को बुझे आम अवरोह पद्धति कदम जावा तो अवरोह पद्धति कौन हम ना प्रथम सूत्र दे थोड़ा एप्लाय करवा करें कौन सिद्धांत उपनीत हवा आसा आम अवरोह पद्धति अवरोह पद्धति में देखिए भल भाव पे अवरोह पद्धति कौन है अवरोह पद्धति आरोह पद्धति विपरीत ये आम कौन देखे ना सिद्धांत पद पहुँची एग्जाम्पल सूत्र को जाते सिद्धांत को जाते कौन आरोह कि सिद्धांत को नहीं आम निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रयोग करवा ता माने एठी आम देखा तो ये हूँ आगे फर्मूला आगे हूँ फर्मूला तापर जाए कौन करवा एग्जाम्पल कर प्रयोग करवा से आम निर्दिष्ट रु सूत्र एटी हूँ निर्दिष्ट रु आम साधारण ये हूँ आम हम कौन ना साधारण आगे साधारण साधारण रुपर आम जा कौन ना निर्दिष्ट को जीवा साधारण रु निर्दिष्ट ओके तेल ये भाव में आम आरोह अवरोह मध्य भल भाव बुझीगले तो आरोह अवरोह पद्धति ठीक है अवरोह पद्धति जो आरोहर विपरीत अटे तापर आम देखा आम बर्तमान क्वेश्चन को उपयोगिता तो आम किसी आवश्यक ना आरोह अवरोह आम खाली एति मन रखा जे आरोह पद्धति निर्दिष्ट रु आम जाऊँ साधारण को अवरोह पद्धति साधारण रु निर्दिष्ट आरोह पद्धति एग्जाम्पल सूत्र को अवरोह पद्धति सूत्र एग्जाम्पल लेखन पे निहाती भाव में पड़ो तापर आम देखा आ प्राथमिक स्तर में यार विशेष उपयोग देखा जाए आम देखा विश्लेषण और संश्लेषण पद्धति देख अधिकांश जगार गाणितिक समस्या दुईट विशेष अंश थाए जोटा कि आम स्वीकार्य जोटा प्रथम रु आम मानि नहीं था ठीक बोली तापर हूँ सिद्धांत तो ये सिद्धांत जोटा आम सत्यता उपनीत है समस्या जहाँ सत्य बोली दत्त थाए ता हूँ स्वीकार्य प्रथम रु आम जोटा को मानि नि हाँ यहाँ सत से हूँ स्वीकार्य जहाँ आम प्रमाण करने को पड़े ताकूम सिद्धांत बोली ये स्वीकार्य द्वारा आमको जुक्तिमूलक प्रक्रिय सिद्धांत उपनीत होगा पड़ थाए जुक्तिमूलक आम कौन करती जाकि सिद्धांत उपनीत होता एवं विश्लेषण पद्धति को आम निजे बुझा कौन विश्लेषण पद्धति
गोटे समस्या अच्छी ताको आमे विश्लेषण कले अर्थात आमे कौन कले भांगी देले भांगी की कौन कले ना ताको आमे बुझिले अर्थात विश्लेषण अर्थ हो भाग भाग करदे कौन गोटे जटिल समस्या को आमे सरल करके भांगी भांगी कर बुझिले गोटे समस्या को अर्थपूर्ण अंश विभक्त कले और निर्दिष्ट समाधान उपनीत हेले आम कौन विश्लेषण पद्धति यार सोपान अच्छे सोपान गुड़िक विषय आस आम टे जाना सोपान ये कौन अच्छी देख समस्या प्रथम अर्थपूर्ण अंश को चिह्नट कले अर्थात समस्या जो अच्छी तार सब भाग भाग कले पूर्व ज्ञान व अभिज्ञता सह संपर्क स्थापन कले समाधान पंथा निर्धारण कले आम थन एक मत एनालीसीज द हाएस्ट इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द माइंड बोली कहुए पद्धति कौन कहते यहीटा कि परीक्षा पड़ो यहीटा ही लाइनटा इंपोर्टेंट सिद्धांत दत्त प्रथमे आमको गोटे प्रमाण करिबा को देथिबो से जो प्रमाण करिबा को देथिबो जो प्रामाण्य देथिबो आमे भाबिबा से प्रामाण्य जहाँ देजी सेइटा प्रथमे सत्य तो ताकु से प्रामाण्यरु दत्त आड़कु जिबा अर्थात सिद्धांतरु दत्त आड़कु जिबा अज्ञानरु ज्ञानत आड़कु जिबा शेषरु आरंभ आड़कु जिबा ये सब होउछि आमर संस्नामर विश्लेषण पद्धति तमे देखिले आमे कोन विश्लेषणटा बड़टा ताकु भांगिले छोट छोट भारियो तमें सिद्धांत प्रामाण्यटा गोटे जटिल जिनस कैटागोराइज कर भांगी भांगी दत्त आड़े पहुँची जावा दत्त तो दे प्रथम आम मानि नहीं जो दत्त सत्य से दत्त अच्छे स्वीकार्य तेजी बुझे आमर सिद्धांत प्रथम आम मन रखा सिद्धांत दत्त पाख को आम तो कहीपर स्वीकार्य पाख को जाटा हूँ आमर कौन आमर जी आम विश्लेषण पद्धति एग्जांपल एवं आम देखिए पे मैंने संश्लेषण पद्धति कौन संश्लेषण पद्धति कहते जा संश्लेषण पद्धति आसो विश्लेषण गोटे एग्जांपल बुझीपर मन करदी ए बी ए बाई बी इजकल सी बै हुए तेज प्रमाण कर एति तेणु यहीटा हूँ आम प्रमाण कर यहीटा हूँ आम सिद्धांत प्रथम सिद्धांत को आम नहीं प्रथम तर सिद्धांत को नेले से सिद्धांत रू आम दत्त पाख को पहुँचवा अर्थात ये जाए पहुँचवा तापर आम देखे देखिले कौन जो प्रथम ये देख पे मैंने जेठ समाधान समाधान करापर तर वज्रण कर मल्टीप्लिकेसन कर बोथ साइड सेम जोटा अच्छे से ओमिट करा पहुँचा जापर यही सिद्धांत पे उपनीत निपर आम आसिक प्रथम जाते प्रामाण्यू तापर ये आम आस पहुँचीगले कौट दत्त भाग में पहुँचीगले तो यही भाव में आमर विश्लेषण पद्धतिटा होता है विश्लेषण पद्धति पर आम जाए संश्लेषण पद्धति पाखक देखिए भाई संश्लेषण पद्धति से संश्लेषण पद्धति कौन होता है ना विश्लेषण दत्ता विपरीत आम से कौटी जाइए ना सिद्धांत रु दत्त संश्लेषण आम जा दत्त रु कौटी जा सिद्धांत को स्वीकार्य रु सिद्धांत को एग्जांपल रु सूत्र को जोटा कि आम कह प्रथम आम देखिले लिखि नौथ जोटा कि आम देखा कौन कौन सी समस्या को विश्लेषण कर सारे तार अर्थपूर्ण अंश मानक एकत्रित कर समस्या एक सफल समाधान निर्धारण करने प्रक्रिया को संश्लेषणात्मक कहते हैं सबू दत्त सब तथ्य को प्रथम आम संग्रह करापर ताक सब यूटिलाइज करके समाधान करने ज्ञात रु एकत्रित करके धारण में सत्य पहुँचा अर्थात ज्ञात रु अज्ञात को जीवा यही पद्धति में कौन हुए ना धारा को शुखलित भाव में एकत्रित कराए संश्लेषण आम संग्रह करके सिद्धांत उपनीत होते ये पद्धति में कौन होता है ज्ञात रु अज्ञात आड़क जाती आरंभ रु शेष आड़ की जाती ठीक विपरीत विश्लेषण पद्धतिर ठीक विपरीत होती प्रोसेस मन करें जो एग्जाम्पल टी नहीं से एग्जाम्पल यहाँ था दत्त ये दत्त देख मल्टीप्लिकेशन कराला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तापर बोथ साइड सी मल्टीप्लाई कराला रिजल्ट बाहर तर बोथ साइड टू बी स्क्वायर डी को आम कौन कराला जो डिफरेन्स करापर गोटे बंटन नियम अनुसार कमन निगलापर कमन नहीं सारापर आमर कौन करें
एठी आसिक बी बाई डी बोथ हरिदेले पुणी प्रमाण में पहुँचे आम कौटू आसे ना आम तत्व सिद्धांत को आसे जोटा कि तथ्य जो देखे नहीं सिद्धांत पहुँचले तत्व आम सिद्धांत को आसे तो सहीटा हूँ संश्लेषण प्रक्रिया जमी आरोह पद्धति में आम जो को एग्जाम्पल रु जा पूरा पहुँचुं जोटा कि आम सरल रु जटिल जाऊँच ज्ञात रु अज्ञात को जाऊँच आरोह आमर ये संश्लेषणटा हूँ से मनकर ज्ञात रु अज्ञात को तेना आरोहटा संश्लेषण टाइप रिके टे आमर जोटा कि अवरोह से विश्लेषण टाइप रहा विपरीत लिखा जाए आरोह अवरोह कितु लिखा जाए विश्लेषण संश्लेषण तेनाली ध्यान पे रखा चेषा कर मेन पद्धति से बेस समय में आलोचना कले आम देखा जो अच्छा कौन प्रकल्प पद्धति जो प्रकल्प पद्धति अच्छी से प्रकल्प पद्धति कौन कौन सब सोपान देखिए जावाक पड़े प्रकल्प पद्धति खाली सोपान गुड़ मन रखा जो प्रथम हूँ आमर परिस्थिति जगे दबा गोटे आम कौन करवा प्रथम गोटे परिस्थिति क्रिएट करवा तापर हूँ परिस्थिति रे जो प्रॉब्लमटा आम देखिले से प्रॉब्लम को आम चिन्हट करवा तापर समाधान पाई आम कौन करवा योजना प्रस्तुत करवा योजना प्रस्तुत हो सर तापर आम कौन करवा से योजना प्रस्तुत कले योजना खाली तो प्रस्तुत कले हेनी ताको आम कार्य लगे कार्य लगे सारापर तापर आम कौन कहले ना प्रकल्प मूल्यायन करेंगे मूल्यायन कर सारापर तापर आम गोटे फीडबैक देखा हूँ आम प्रकल्प पद्धति जोटा कि आमर प्रकल्प पद्धति गोटे एग्जाम्पल मन रखा मन करमर विद्यालय सरस्वती पूजा पालन कले सरस्वती पूजा पालन कले प्रथम आम देखिले पे गोटे मीट करदे जो मीटिंग में आम कौन कहे पे आज तो ये तारीख तो सरस्वती पूजा करेंगे कि ना के सरस्वती पूजा पड़े पे कहे हाँ सर आम सरस्वती पूजा करवा तर सरस्वती पूजा करने कौन कौन सब आवश्यक केमी सरस्वती पूजा करवा आम प्रकल्प सब चिन्हटेलापर योजना प्रस्तुत है केमी आम किए कौ दायित्व नब किए डेकोरेसन नब किए मार्केटिंग जब कत टा आदय हे योजना है कार्यकारी है सब मार्केटिंग कले सजावजा कले ठाकुर पूजा भी है प्रकल्प लास्ट मूल्यायन है कौन भल है ना ना कौन होते भल होता यहाँ हूँ प्रकल्प पद्धति तापर आम जा समस्या समाधान पद्धति दिगक तो गणितर समस्या समाधान करवा प्रधान दक्षता रही है समस्या समाधान विभिन्न प्रकार आम सोपान अच्छे से सोपान गुड़ को जीवा से सोपान हूँ समस्या को प्रथम चिन्हा ये जो समस्या को चिन्हट कले से विभिन्न प्रकार जो समस्या समाधान दिगरे विभिन्न प्रकार जो उत्सर तथ्य संग्रह कले जो तथ्य आम पाइले विश्लेषण बात तथ्य गुड़क आम कौन कले व्याख्या कले व्याख्या कर सारापर समस्या आम कौन कले ना उपयुक्त समाधान कले तापर आम देखा समस्या को देख प्रथम सोपान समस्या को चिन्हट कर समस्या को स्पष्टीकरण कराई डेफिनेशन लिखाई हाँ एक्चुअली है ये आमर समस्या रहा आम समाधान करवापर द्वितीय सोपान हूँ आम तथ्य सब संग्रह करागला चतुर्थ सोपान समाधान केमी हम ताकि अनुकल्पना प्रस्तुत करागला अनुकल्पना गठन करागलापर हूँ आमर पे मन रखु लिखि देपर हूँ आम कौन कहे अनुकल्पना गुड़ी परीक्षण कर पंचम सोपान आमर गोटे सिद्धांत उपनीत हेले पुणी सिद्धांत जो उपनीत हेले पुणी फलाफल आम कौन कले ना प्रयोग कले तो यू विभिन्न जो सातटी पद्धति आउ थे स्क्रॉल कर दूसरी पे देखीद सातटी पद्धति जो प्रथम सोपान समस्या चिन्हटीकरण परीक्षार पड़े ये सोपान गुड़िक क्या क्रम निर्दिष्ट क्रम लिखापी समस्या स्पष्टीकरण तो प्रासंगिक तथ्य संग्रह अनुकल्पना गठन अनुकल्पनार परीक्षण तापर सिद्धांत निरूपण तापर फलाफल प्रयोग ए क्रमटी को पे लिखिद आसा आमर कौन ना क्रीड़ा पद्धति ये जो क्रीड़ा पद्धति आम अच्छी क्रीड़ा पद्धति मैंने खेल मध्यम पेमी शिक्षादान दबा से विषय पढ़ा शिक्षा क्रीड़ा पद्धति कौन क्रीडार विशेषत्व हूँ जे पाने क्रीडार एक अभ्यंतरण श्रृंखला थाए जहाँ को पाने स्थिर कर क्रीड़ार जो विशेषत्व रोज क्रीड़ार स्वतः प्रभुत प्रक्रिया पाने खुशी मन खुशी से खेलते तेणु आम उद्देश्य रिच्छे गोटे शिखेवाई मन कर जो आम जो जो आम डिया डुई खेल गोटे अच्छे से आम लिखिपर एक दुई तीन चार लिखिपर इतनी क्रीड़ा मध्यम आम पाती स्वतस्फूर्त भाव में पाने शिक्षा ग्रहण करेंगे कि जापर से आम ध्यान दे पार पे देखिए आम तो बहुत आक्टिविटी मेथड कहते तो आम जानवाजे एक्चुअली शिक्षण कार्य कहले कौन बुझे
एक्चुअली शिक्षण कार्य कौन आसत विषय जाना शिक्षण कार्य हूँ एक्चुअली जेकोसी शैक्षिक उद्देश्य हासिल निमित्ते जो कार्य व्यक्तिगत भाव में हो कि दलगत भाव में हो संपादन करने को दि जाए जो आह्वानमूलक परिस्थित सृष्टि हुए पिलाटे स्वतस्फूर्त भाव में अंशग्रहण कर आनंद पाए ताक आम शिक्षण कार्य कहते मैंने देखे सर्ट्रे कह गले शिक्षण उद्देश्य परिपूरण आम जो कार्य करते शिक्षण कार्य बोली तो शिक्षण कार्यर मत बहुत किसी आम कौन अच्छे नियम अच्छे शिक्षण कार्य जो नियम अच्छे से आम देखा कौन कौन शिक्षण कार्य सब अच्छे शिक्षण कार्य नियम हूँ प्रथम हूँ लक्ष्य केंद्रिक हवा दरकार तमें गोटे उद्देश्य फिक्स होगा प्रथम दरकार तापर हूँ आम देखा शिक्षण कार्य आउ कौन ना शिक्षण कार्य स्वतः प्रभूत भाव में आम अंशग्रहण करता एमती शिक्षण कार्य क्रिएट करवा पे जमी स्पन्टानियस अंशग्रहण करेंगे जोटा कि पूरा आनंददायी होते सीना से पूरा अटोमेटिकली अंशग्रहण करेंगे सब जमी अंशग्रहण करेंगे गोटे शिक्षण कार्य गोटे गुण तापर आम देखिपर जो आनंददायी शिक्षण होता दरकार आनंददायी शिक्षण कौन पिला गोटे शिक्षण दवा जो पिला पढ़ला आनंद पापे एट आनंददायी आम कहीपर तापर आम देखा कौन आह्वानमूलक परिस्थिति हो पार चैलेंजिंग माइंड देखा पिलाने तुम भितर किए आगे करुच्चे तो सीटा कहला आह्वानमूलक परिस्थिति सृष्टि हो पार आउटे आम देखिपर जो कौन से पारे ना शिक्षण कार्यर मेन टर्म बुझे गोटे हूँ आनंद जोटा कि आह्वानमूलक चैलेंजिंग माइंड कंपिटेटिव माइंड गोटे आनंददायी होता दरकार स्वतप्रभुत अंशग्रहण कर दरकार आउट हूँ आम लक्ष्य केंद्रिक हवा दरकार यू चारोटी आम गुण देखिले सीटा हूँ शिक्षण कार्यर परीक्षार पड़े शिक्षण कार्यर क्यों तेनोटी गुण आम रही है गणित मेला गणित विभिन्न प्रकार मेला से कौच जो विभिन्न प्रकार माप प्रदर्शनी क्विज प्रतियोगिता गाणितिक खेल इमिती है गाणितिक क्लब्र गठन कौन ना विद्यालय शिक्षक गणित आग्रही शिक्षार्थी मैंने गोटे गणित क्लब करते क्लब्र सुपरिचापी कार्यकारी समिति रही है जार सभापति विद्यालय प्रधान शिक्षक है कौन उद्देश्य ना गणित आग्रही विद्यार्थी को गाणितिक कार्यपाई गोटे मंच जगै दबा विभिन्न गणित खेल खंडा आलोचना तर्क वितर्क यू क्लब्रे गोटे आलोचना हम और गोटे लिपिबद्ध होते कार्यक्रमटे रणित प्रदर्शन में कौन होता है विभिन्न प्रकार प्रकल्प होता है विभिन्न प्रकार मॉडल प्रस्तुत थाए शिक्षण उपकरण प्रस्तुत होता है गणित प्रदर्शनी में यह सब एत पढ़ुना परीक्षा तो से स्किप करदे शीघ्र शीघ्र जो गणित क्विज क्विज आम गणित विभिन्न प्रकार क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो कि ओएमआर हो जहाँ लेखिकी आम रखती पिलामानकर मानसिक स्तर को वृद्धि करने गणित क्विज्र उपकारिता कौन ना क्विज्र कार्यक्रम विद्यालय मानकर अवसर विनोदन करने सहित गणित ज्ञान कौशल बुद्धि सहायक होता है विद्यार्थी मान मध्य सहयोग प्रतिजोगी मनोभाव वृद्धि होता है शिक्षार्थी शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षार्थी भितर भाव विनिमय को दृढ़ीभूत करें गाणितिक ज्ञान से मितर वृद्धि करें तो यही भाव में आम देखिले आम गणित शिक्षण को केमी भाव में आम मजबूत करपर शिक्षण मान निर्धारण आसूसी परीक्षा ये पढ़ुनि तो मान निर्धारण आम जो शिक्षण उद्देश्य सब रोज मान निर्धारण आम कमी शिक्षण आम करवा तो शिक्षण एक्चुअली केत दूर तार ठीक ठाक है देख मान निर्धारण गोटे निर्दिष्ट मापकाठी देखिए मान निर्धारण मौलिक नीति से मौलिक नीति को आम खाली बुझा जे विषय वस्तु संपर्कित नीति मान निर्धारण निश्चित भाव स्पष्ट करवा उचित जो गणितर क्यों विषय गुड़िक शिक्षण खूब आवश्यक तर शिक्षण संपर्कित नीति समता नीति पिला प्रत्येक पिला गुरुत्वपूर्ण गणित शिखबार मान निर्धारण सहायक होता है प्रत्येक पिलांर इक्वालिटी अच्छे से गणित शिक्षादान शिक्षार ग्रहण करेंगे आउ कौन गणित शिक्षण ताक समर्थन करुवा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया को उन्नति करार मान निर्धारण गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही ताकि जहाँ भी अच्छे पे गणित मूल्यायन आम कमी करवा तापर विभिन्न प्रकार प्रश्न विभिन्न प्रकार प्रश्न भितर आम आसूसी रचनामूलक प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सीमित उत्तरमूलक प्रश्न दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न तापर वस्तुनिष्ठ प्रश्न भितर जा निर्दिष्ट उत्तरमूलक समापन द्विविकल्प बहु विकल्प ये आम प्रश्न भितर जापर आम देखा जे विभिन्न प्रकार क्वेश्चन सब ये अच्छे गोटे उद्देश्य भित्तिक प्रश्न ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेथड जो क्वेश्चन पचरा जाए तार हूँ निर्दिष्ट उद्देश्य रही जोटा कि आम ज्ञानात्मक अर्थात नॉलेज नॉलेज संबंधित केमी क्वेश्चन सब पचरा जाए जैसे मन पक चिह्नट कर घसी कर संज्ञा कहीपर सूत्र कहीपर नियम कहीपर तथ्य कहीपर मान जो घुसिकी मन रखुव नॉलेज जोड़ा बोधरे कौन ना संशोधन कर बुझे पार्थ्य संकेत प्रकाश कर सिद्धांत को जांच कर ये सब जिनस जोटा कि बुझा शक्ति बोध शक्ति आसो से आम कह बोध तापर आम प्रयोग कथा आसला
ପରିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବନ କରିପାରିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଏସବୁ ଆମର ଯାଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ଭିତ୍ତିକ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଭିତରେ। ତାପରେ ଆମେ ହେଲା ଧରଣ ହଁ ପିଲାମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଯୋଜନା ଭିତରେ ଆମର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଉପକ୍ରମ ଆଉ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସେ ଉପକ୍ରମରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ସକ୍ରିୟ କରନ୍ତି ମୋଟିଭେସନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଚିତ୍ର ହେଉ କି ଗଳ୍ପ ହେଉ କି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ବସ୍ତୁ ନେଇକି ଦେଖେଇକି ହେଉ, ତ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଜଣାରୁ ଅଜଣା କଣନ୍ତି, ସରଳରୁ ଜଟିଳ କଣନ୍ତି, ଓ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଧାରଣାରେ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ କରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷଣ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରନ୍ତି, ଶିଖିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଦୂର ସାଧିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି, ଗୃହ କର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ହେ ସହି କୋଚ କା ହୋନା, ଚୁନିଏ ଇନସାଇଡ ବ୍ରେନ କୋ ଅର କରେ ଅପନେ ଓଟେଟ ହାଇ ସ୍କୁଲ ଟିଚର CBSE କା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର। ଡାଉନଲୋଡ ଦି ଆପ୍ ନାଓ। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इनसाइट ब्रेन सर्च करना पड़ेगा। इनसाइट ब्रेन सर्च करने के बाद इस तरह की इंटरफेस खुल जाएगी, अब उसको डाउनलोड करेंगे। आप क्यों इस ऐप को डाउनलोड करेंगे? CBSE OABS NCERT के और इंग्लिश बुक क्लास 9th और 10th के मैथ साइंस इंग्लिश में फ्री कोचिंग दिया जाएगा, एंड इसे प्लस टू एंड प्लस थ्री इंग्लिश टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड आंसर फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, ऑनलाइन टेस्ट लाइव क्लास भी दिया जाएगा, एंड OTET CTET USSC रेलवे OPSC UPSC स्टडी मटेरियल PDF रिकॉर्डिंग वीडियो भी इस ऐप में अवेलेबल होगा, एंड ऑल इन वन ऐप है ये। आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे एंड स्टे एट होम एंड स्टडी ऑनलाइन सेफली। डाउनलोड दिस ऐप एंड enjoy your life and go ahead।